नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है आईफोन 12। दोस्तों अगर आपके पास आईफोन 11, 12 या फिर 13 है तो आप अपने फोन में बर्स्ट शॉट क्लिक कर सकते हो, मतलब एक साथ कई सारे फोटोज को क्लिक कर सकते हो वन क्लिक में, जिसे हम कंटिन्यूस शॉट भी कहते हैं। तो इसे क्लिक करने के आपके फोन में दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है कैमरा ऐप में, आपको कैमरा ऐप को ओपन करना है और जो शटर बटन है उस पर स्वाइप लेफ्ट करके आपको प्रेस करके रखना है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, उंगली आपको छोड़नी नहीं है और आपको जितने फोटोज क्लिक करने हैं उतने क्लिक करने के बाद आपको अपनी उंगली रिलीज करनी है और आप इस तरीके से जो बर्स्ट शॉट है वो क्लिक कर सकते हो। और एक तरीका है बर्स्ट शॉट को क्लिक करने का, तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, फिर यहाँ पे आपको जाना है कैमरा ऐप में, ये रहा कैमरा, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको यूज वॉल्यूम अप फॉर बर्स्ट इसे इनेबल करना है। इसके बाद क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम अप पे क्लिक करके रखोगे, लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे बर्स्ट शॉट क्लिक होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे अब वॉल्यूम अप पे लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा तो यहाँ पे जो बर्स्ट शॉट है आप यहाँ पे देख सकते हो, फोटोज क्लिक हो रही है और ये है कंटीन्यूअस शॉट। तो इस तरीके से भी आप जो बर्स्ट फोटोज है अपने आईफोन में क्लिक कर सकते हो इन दो तरीकों से। दोस्तों जब भी आप बर्स्ट फोटोज क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसे देखने के लिए आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा होता है फोटो के ऊपर में बर्स्ट और कितने फोटोज उसमें है, 119 फोटोज इसमें, और आपको अब इनमें से कौन सी फोटोज रखनी है, कौन सी डिलीट करनी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट दिखाई देगा, नीचे आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको जो फोटोज रखनी है आपको उसे टिक करना है। मान लो मुझे यहाँ पे 5 कोई भी फोटोज जो है सिलेक्टिव, उन्हें मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना है डन और मुझे करना है कीप ओनली 5 फेवरेट्स। 5 फोटोज में यहाँ पे रखना चाहता हूं, बाकी सभी डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे करूंगा कीप ओनली 5 फेवरेट्स। बाकी जो फोटोज है वो डिलीट हो चुकी है, अब यहाँ पे केवल मुझे मिलेंगी 5 फोटोज जो मैंने टिक की थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बर्स्ट फोटोज का यूज कर सकते हो अपने आईफोन 11, 12 या फिर 13 में। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।